करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिपोर्ट सामने आई है 2021 की, हकीकत क्या है? इनकी रिपोर्ट के अंदर जो है वो क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये फाइनेंशियल करप्शन की है। रूल ऑफ लॉ इनको समझ नहीं आता कि रूल ऑफ लॉ का मकसद ये है कि कानून की हुक्मरानी, जो कानून है उस पर अमल हो। IMF के साथ जो पाकिस्तान का माहिदा हुआ है, या इस मुल्क के अंदर स्टेट कैपिटल चलेगा या इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी और इंसाफ चलेगा। हम कह रहे हैं ये करप्शन तो अपनी जगह, मगर लैंड की करप्शन ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। कैसे ये सारे के सारे करप्ट माफिया जो है वो कानून की दर से बच रहे हैं और क्लीन चिट मिल जाती है उनको? कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा क्या इनके खिलाफ? रूल ऑफ लॉ की एप्लीकेशन हो। रूल ऑफ लॉ इस मुल्क के अंदर कौन ला सकता है? उसमें प्राइम मिनिस्टर ला सकते हैं।